नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्टडी 91 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी के सामने हम सभी आर्ट ऑफ टीचिंग पर बात करेंगे, शिक्षण कला पर बात करने वाले हैं, जो आप सभी के बिहार सुपर टेट से संबंधित प्रैक्टिस क्लास चल रही है। आप सभी इसमें इस क्लास में को अच्छे से वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं, और आप सभी के पेपर के लिहाज से बात करें तो बेहद इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्लास होगा। दोस्त, सभी बच्चे एक बार सेशन को शेयर करते हुए क्लास को लाइक कर देंगे। हम सभी हर क्वेश्चन की व्याख्याओं को समझने की कोशिश करेंगे, सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो दोस्त, बात करेंगे हम सभी जो चैप्टर आप सभी के सिलेबस में दिए गए हैं उसी चैप्टर के अकॉर्डिंग हम सभी आगे बढ़ रहे हैं। और बात किया जाए दोस्त, तो आज जैसे बात करें शिक्षक के गुण भी पूछा जाएगा। अधिगम चैप्टर है, शिक्षण गुण चैप्टर है, सूक्ष्म शिक्षण है, आकलन है, मूल्यांकन है, शिक्षण के कौशल हैं और शिक्षण के उद्देश्य और स्तर हैं। इन सारे चैप्टरों से आप सभी से प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, तो इंपॉर्टेंट होगा। सभी बच्चे एक बार सेशन को शेयर करेंगे। बात करेंगे दोस्त, आप सभी के सामने एक इन्फॉर्मेशन है, और इन्फॉर्मेशन की बात करें हिंदी इंडिविजुअल क्लास के बारे में। किसके क्लास के बारे में? हिंदी इंडिविजुअल क्लास के बारे में इन्फॉर्मेशन है। कंप्लीट कोर्स आप सभी के सामने होगा, एक साल की वैधता के साथ आपको यह क्लासेस प्रोवाइड होंगी, और उसके साथ साथ बात करें 130 प्लस घंटे की क्लास आपको मिलेगा। किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए आप सभी के सामने दो नंबर दिए गए हैं, इस पर आप सभी संपर्क कर सकते हैं। दोस्त, अब हम देखेंगे प्रैक्टिस क्लास को। सबसे पहले आप सभी के सामने पहला क्वेश्चन है, वैयक्तिक विभिन्नता का क्या अर्थ है, इससे संबंधित पहला क्वेश्चन। तो कह रहा कि वैयक्तिक विभिन्नता का क्या अर्थ है? कह रहा दो व्यक्तियों में शारीरिक भिन्नता होना, करब कोई दो व्यक्ति शारीरिक मानसिक योग्यता और संवेगात्मक दशा में समान एक जैसे नहीं होते हैं। करब कोई दो व्यक्ति शारीरिक और मानसिक योग्यता में बात करें शारीरिक और मानसिक योग्यता में समान और एक समान एक जैसे होते हैं, करब उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्त, आप सभी से जो क्वेश्चन कर रहा पहला क्वेश्चन, वह कह रहा है कि वैयक्तिक भिन्नता का तात्पर्य आप जानते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस के जो जनक बोले जाते हैं वह फ्रांसिस गार्टन बोले जाते हैं। फ्रांसिस गार्टन ने बताया, फ्रांसिस गार्टन की बात करें तो उनका एक पुस्तक है हेरिडिटरी जीनियस नामक पुस्तक, उसी में इन्होंने व्यक्ति भिन्नता से संबंधित जो सारी बातें लिखी हैं बताया है कि व्यक्ति भिन्नता का मतलब यह नहीं सिर्फ शारीरिक रूप से भिन्नता होगी, उसके साथ साथ हो सकता बौद्धिक रूप से भिन्नता हो, शारीरिक रूप से सेम हो लेकिन बौद्धिक रूप से अंतर हो, बात करें उसके साथ साथ संवेगात्मक रूप से अंतर हो सकता है। तो बात किया जाए तो हमारा सिर्फ इसमें कह रहा दो व्यक्तियों में शारीरिक भिन्नता, तो सिर्फ शारीरिक भिन्नता पर फिजिकल जो डिफरेंसेस है सिर्फ वही नहीं, उसके साथ साथ बात करें कोई दो व्यक्ति जैसे जिसमें फिजिकल है या मानसिक मेंटल जो एबिलिटी है बात करें उसके साथ साथ संवेगात्मक दशा एक समान जैसे नहीं हो सकती है, और राइट ऑप्शन होगा बी। सी में कह रहा कि एक जैसे होते हैं, तो व्यक्ति भिन्नता जब एक जैसे होते हैं तो व्यक्ति भिन्नता रहा फिर कहां गया, और डी में बात करें तो उपयुक्त में से कोई नहीं तो गलत हो जाएगा, तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा बी इज द राइट ऑप्शन। सेकंड नंबर क्वेश्चन को ध्यान देंगे, करें कि लंबाई भार, त्वचा का रंग, पैर, आंखों और बालों का रंग में विविधता का विचलन को क्या कहते हैं। जैसे इसमें जो भार है, आपकी वेट है, लंबाई है, बात करें आपका हाइट है, इन सभी त्वचा के रंग है, इसमें क्या कहलाती है या क्या मतलब है इसका, भावनात्मक अंतर है या भौतिक अंतर है या मानसिक अंतर है या इनमें से कोई नहीं। तो लंबाई इसका मतलब है कि आपका फिजिकल जो डिफरेंट है, भार है तो फिजिकल रूप से है, तो इसका मतलब राइट ऑप्शन होगा बी ऑप्शन होगा, भावनात्मक अंतर नहीं है, इसमें क्या भौतिक अंतर है, राइट ऑप्शन होगा बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्त चलेंगे हम सभी, थर्ड नंबर क्वेश्चन को पढ़ें और बताने का प्रयास करें। कर व्यक्ति में वे भिन्नताएं जिससे वह कद, वजन, त्वचा का रंग, आंखों और बालों का रंग, पैर आदि दूसरे से अलग होते हैं वह क्या कहलाता है, का भावनात्मक भेद है या कह रहा शारीरिक भेद है या मानसिक भेद है या इनमें से कोई नहीं। मतलब कह रहे कद में या वजन में, त्वचा के रंग में, आंखों बालों का रंग, तो इसका मतलब है कि शारीरिक भेद है, करेक्ट ऑप्शन होगा बी, तो फिजिकल भेद है क्योंकि कद में हो रहा है, कद का मतलब है कद काठी मतलब लंबाई चौड़ाई, वजन जो बात किया जाए, त्वचा का रंग, ये सभी क्या है आपके फिजिकल रूप से डिफरेंट है और इसी वजह से शारीरिक भेद होगा, राइट ऑप्शन होगा बी इज द राइट ऑप्शन। फोर्थ नंबर क्वेश्चन के लिए ध्यान देंगे, करा कि वह कथन, ध्यान दें क्वेश्चन करा कि वह कथन जो वैयक्तिक भिन्नताओं के संदर्भ में सत्य नहीं है, कौन सा ऐसा कथन है जो वैयक्तिक भिन्नताओं के संदर्भ में सत्य नहीं है, वह क्या है। करा व्यक्ति विशेष प्रकार से भिन्न होते हैं,
कर्म व्यक्ति विशेष कोटि में भिन्न होते हैं, कर्म व्यक्ति विशेष प्रकार व कोटि दोनों में भिन्न होते हैं, कर्म व्यक्ति विशेष ना तो कोटि में और ना ही प्रकार में भिन्न होते हैं। आप बताएंगे इसमें से वैयक्तिक भिन्नता का तात्पर्य क्या होगा, जी बताने का प्रयत्न करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है फोर्थ नंबर के लिए। इसमें देखिए क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन क्या है अच्छा है, कह रहा कि वह कथन जो वैयक्तिक भिन्नताओं के संदर्भ में सत्य नहीं है, मतलब व्यक्ति विशेष प्रकार से भिन्न होते हैं तो सत्य है। करा जो व्यक्ति भिन्नता का तात्पर्य तो यही होता है कुछ ना कुछ अंतर होगा। करा व्यक्ति विशेष कोटि में भिन्न है या भी सही है, करा व्यक्ति विशेष प्रकार कोटि दोनों में भिन्न है तो यह भी सही है, लेकिन करा कोई भी किसी प्रकार ना किसी प्रकार का भिन्न है, तो जब किसी प्रकार का भिन्न है तो व्यक्ति भिन्नता का हनन हो रहा है। इसीलिए दोस्त बात करें गलत कौन सा होगा, वह डी इज द राइट ऑप्शन होगा, डी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन को आप समझ रहे होंगे और सीखते हुए चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे फिफ्थ नंबर के लिए। पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज्यादा बुद्धिमान होते हैं यह कथन किसको रिप्रेजेंट करता है, कर लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है, कर बुद्धि के भिन्न भिन्न पक्षों के लिए सही है, करा सही है, करा सही हो सकता है। करा जो पुरुष हैं स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, मतलब पुरुष क्या होंगे जो मेल हैं वह फीमेल से ज़्यादा क्या होते हैं बुद्धिमान होते हैं, उनमें बुद्धि ज़्यादा पाई जाती है, ऐसा कुछ है क्या बताइए। अगर ऐसा कुछ होता तो कई वर्षों से आप सभी देख रहे हैं जो IAS जो ऑफिसर हैं वह टॉप कौन कर रहा है, लड़कियां टॉप कर रही हैं, तो बुद्धि ज़्यादा होता तो फिर लड़के करते, लेकिन यह कथन कह रहा कि जो आपसे कह रहा पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, इसका मतलब है सिर्फ लैंगिक पूर्वाग्रह से आप ग्रसित हैं, जो लैंगिक रूढ़िवादी बातें हैं उस पर से उससे ग्रसित हैं, परंपरा पर आप चले आ रहे हैं, कोई आप में कूड़ा काट कर भर चुका है आपके दिमाग, जो एक तरीके से समझिए लिंग पूर्वाग्रह से आप जो जेंडर बायस बोला जाता है उससे आप ग्रसित हो चुके हैं, और इसी वजह से कह रहे हैं कि जो लड़कियां हैं वह क्या होती हैं बुद्धिमान कम होती हैं लड़कों की तुलना में। चलेंगे सिक्स नंबर के लिए दोस्त बताएंगे। क्लास में कक्षा में जेंडर रूढ़िवाद क्लास कक्षा में जेंडर रूढ़िवादता से बचने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, करा लड़कों को जोखिम उठाने और निर्भीक बनने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, करा लड़के लड़कियों को एक साथ आप पारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए, करा अच्छी लड़की अच्छा लड़का क्या कर शिक्षार्थी के अच्छे कार्य को सराहना करनी चाहिए, करा कि कुश्ती में भाग लेने के लिए लड़कियों को निरुत्साहित करना चाहिए। तो कौन सा कक्षा में जेंडर रूढ़िवादिता के से बचने के लिए एक अच्छा है, मतलब इसमें कह रहा कि जो जेंडर रूढ़िवादी बातें हैं उससे बचने के लिए कौन सबसे अच्छा होगा तो बताएंगे। तो आप ध्यान देंगे करा कि क्वेश्चन जब पढ़ रहे होंगे आप तो कह रहा है दोस्त कह रहा है जोखिम उठाने के लिए निर्भीक बनने के लिए प्रोत्साहित करना है, सिर्फ लड़कों के लिए ऐसा करेंगे लड़कियों को छोड़ देंगे तो दोस्त यह गलत हो जाएगा। अगर जेंडर रूढ़िवादिता को खत्म करना है तो आप उसके विपरीत जो रूढ़िवादी बातें हो रही हैं उसके विपरीत चलिए। जैसे बात के लड़के कभी कहते हैं कि लड़के जो है लड़के घर के काम नहीं करेंगे, लड़कियां घर के काम करेंगी, लड़के बाहर के काम करेंगे, तो उल्टा कर दीजिए लड़के घर के काम करेंगे लड़कियां बाहर के काम करेंगी, तो इससे रूढ़िवादी बातें रूढ़िवादी जो जेंडर बायस है वह खत्म होगा। तो दोस्त बात करें इसमें तो हो रहा है ए ऑप्शन में, बी में क्या हो रहा है एक साथ अपारंपरिक भूमिकाएं को रखना चाहिए, एकदम अपारंपरिक भूमिकाओं को रखना चाहिए, जो परंपरा से हटकर है उस पर चलेंगे तो फिर सही हो जाएगा। तो इसका मतलब राइट ऑप्शन बी करा कि अच्छी लड़की अच्छा लड़का करके ऐसा कुछ करेंगे तो गलत हो जाएगा, करा कुश्ती में भाग लेने के लिए निरुत्साहित नहीं करना चाहिए उत्साहित करना चाहिए, तो कुश्ती ज़्यादा करके कौन खेलता है लड़के खेलते थे, तो इसलिए अगर लड़कियाँ कुश्ती खेल रही हैं इसका मतलब है दोस्त बात करें तो या प्रोत्साहित करेंगे अगर ज़्यादा खेल रहे हैं ज़्यादा कर रहे हैं तो वह एक तरीके से जेंडर बायस को खत्म कर रहा है। तो राइट ऑप्शन जो होगा वह हमारा बी इज द राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं सेवन नंबर के लिए दोस्त बताएंगे क्या करेक्ट ऑप्शन होगा। सेवन नंबर के लिए करें एक बच्चा खिड़की के सामने से एक कौवे को उड़ता हुआ देखता है, कोई बच्चा है जो कौवे को उड़ता हुआ देखता है और कहता है कि यह पक्षी इससे बच्चे के विचार से या करा कि एक पक्षी इससे बच्चे के विचार में क्या पता चलता है, करा बच्चे की स्मृति पहले से भंडारित होती है, करा बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है, बच्चे ने अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का विकास कर लिया है, करा बी और सी सही है, करा ए बी सी तीनों सही है, करा केवल बी सही है, केवल ए और बी सही है। ध्यान देंगे जब कौवा क्या आ रहा है एक बच्चा है एक बच्चा छोटा सा बच्चा है कौवे से मतलब खिड़की से क्या देख रहा है सामने से एक कौवे को उड़ता हुआ देखता है
ठीक है, उड़ता हुआ देखता है। कह रहा है कि एक एक पक्षी, मतलब उसको यह दिमाग में हो चुका है, वह प्रत्यय डेवलप हो चुका है कि जो पक्षी है वह उड़ती है, उड़ता है तो उड़ता है तो, या उसमें कवे में एक कवे के परिपेक्ष की बात करें तो उसे हो चुका है कवा क्या है, उड़ता है, जो पक्षियां उड़ती हैं तो इस तरीके से बात करें तो उसके डेवलप हो चुके हैं प्रत्यय। और उसके साथ साथ बात करें तो एक भाषा का भी प्रयोग कर रहा है कि जो एक पक्षी उड़ रही है, तो इस तरीके से भाषा का भी डेवलप हो चुका है और उसके साथ साथ यह प्रत्यय भी विकसित होता है। प्रत्यय का मतलब कॉन्सेप्ट है, जो समझ है वह जो विकसित हो चुका है। लेकिन कह रहा कि बच्चे की स्मृति पाले से भटाई होती है। क्या आप जानते हैं जब हम सभी पैदा हुए होंगे तभी हम सभी पता था क्या कि जो पक्षियां वह उड़ती हैं? हमें कोई ना कोई बताया होगा, पहले से भंडारित नहीं होती है। जीवन में जब व्यक्ति जन्म लेता है उसके बाद ही सब कुछ सीखता है, यही धरती पे आने के बाद, कोई ऊपर से लेकर नहीं आता कोई चीज़ें। तो इसलिए बात करेंगे या फर्स्ट क्या होगा, गलत होगा, इसलिए बात करें हमारा राइट होगा बी और सी। तो बी और सी कौन सा ऑप्शन है, तो करेक्ट ऑप्शन होगा ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ए इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा होगा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, बी और सी करेक्ट होगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, बात करेंगे करा प्रत्ययों को बनते रहना एक प्रक्रिया है, करा प्रत्ययों को समझ का बनते रहना एक कौन सी प्रक्रिया है, करा विषय प्रक्रिया है, अनियंत्रित प्रक्रिया है, सामयिक प्रक्रिया है, संचय प्रक्रिया है। मतलब प्रत्ययों का बनते रहना किस प्रकार की प्रक्रिया है, बताएंगे आप सभी, बताएंगे किस प्रकार की प्रक्रिया है प्रत्ययों को बनते रहना, किस प्रकार की प्रक्रिया है। तो आप जानते हैं दोस्त वह क्या, किस कौन सी प्रक्रिया है, संचयी प्रक्रिया है। जो प्रत्ययों का बनता रहना, कॉन्सेप्ट को सीखते रहना हमारी एक संचयी प्रक्रिया है, हम जोड़ते रहेंगे उसको, इंक्लूड करते रहेंगे। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, करा संक्षिप्त रूप से PSRN जो कि विकास से संबंधित है, करा समस्या हल से, तार्किकता से, आंकिक क्षमता से, करा समस्या हल संबंध और आंकिक क्षमता, बौद्धिक क्षमता, तार्किक और आंकिक क्षमता, करा की बौद्धिक क्षमता, तार्किकता और अंक ज्ञान, ध्यान दें करा PSRN। तो PSRN की बात करें तो PSRN ध्यान देंगे, RN की बात करें तो यह होगा, P का मतलब है प्रॉब्लम सॉल्विंग, P का मतलब प्रॉब्लम, CS का मतलब सॉल्विंग, R का मतलब रीजनिंग, N का मतलब न्यूमरेसी। तो ध्यान देंगे इसे क्या बोलेंगे, ध्यान देंगे P का होगा समस्या, तो प्रॉब्लम समस्या, और सॉल्विंग का मतलब हल, समस्या हल हो जाएगा। R का मतलब है जो रीजनिंग है, तो इसका मतलब तार्किक होगा, तार्किक होगा। और उसके बाद N का मतलब है न्यूमरेसी, इसका मतलब आंकिक क्षमता, क्या होगा, आंकिक क्षमता। तो अगर ऐसा कहीं आपसे मिल रहा ऑप्शन में तो हमारा वही राइट हो जाएगा, वही हमारा क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। तो दोस्त हमारा कौन सा मिल रहा है, वह ऑप्शन संख्या ए में मिल रहा है, क्या हो, ऑप्शन संख्या ए में मिल रहा है, राइट ऑप्शन होगा हमारा, ए इज द राइट ऑप्शन। PSRN का मतलब होता है समस्या हल, तार्किक और आंकिक क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, 10 नंबर क्वेश्चन के लिए ध्यान देंगे दोस्त। कह रहा कि आपसे पूछ रहा है किस प्रकार का चिंतन सृजनात्मक सृजनशीलता से संबंधित होता है, का अभिसारी सोच, का अलग सोच, अंतर्दृष्टि सोच या परमार्थिक सोच। तो बताएंगे किस प्रकार का चिंतन सृजनात्मकता से संबंधित होता है। सृजनात्मकता का मतलब है, कहता है कि सृजनात्मकता कहता है रचनात्मक, जिसमें सोच है, रचनात्मक सोच है वह क्या कहलाएगी, वह क्या कहलाती है, सृजनात्मकता कहलाती है। अगर जिसमें बात करें आलोचनात्मक सोच है, आलोचनात्मक सोच है वह क्या होगा, आलोचनात्मक, आलोचनात्मक सोच है तो क्या कहलाएगा, वह कहलाएगा तार्किक, वह सृजनात्मक, सृजनात्मकता उसमें है। अगर समालोचनात्मक सोच है, समालोचनात्मक सोच है तो वह क्या कहलाएगा, वह कहलाएगा भैया सृजनात्मकता उसमें है। अगर आप में, अगर दोस्त बात करें आप में क्या है, तार्किक चिंतन है, तार्किक चिंतन है तो एक तरीके से आप में वह क्या है, आप में क्या है वह दोस्त, सृजनात्मकता की तरफ ढेल रहा है। अगर आपसे बात करें, अपसारी सोच है, तो अपसारी सोच है इसका मतलब आप में क्या है, सृजनात्मकता है। तो दोस्त अगर ऐसा कोई ऑप्शन हो, अगर आप में अंतर्दृष्टि है, अंतर्दृष्टि सोच है, क्या है, अंतर्दृष्टि, अंतर्दृष्टि इसे बोल सकते हैं या इसे बोल सकते हैं सूझ सोच है, तो आप इसे बोल सकते हैं वह आप में क्या है, सृजनात्मकता है। तो इसलिए दोस्त यह कुछ पॉइंट है जो सृजनात्मकता के गुण को रिप्रेजेंट करते हैं। तो दोस्त हमारा कौन सा राइट होगा, वह दोस्त बात करें हमारा होगा सी इज द राइट ऑप्शन, क्या होगा, सी इज द राइट ऑप्शन, सी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे तो बात करेंगे वह क्या होगा हमारा, क्या होगा दोस्त बात करें वह होगा हमारा सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, ध्यान देंगे, ध्यान देंगे करा आउट ऑफ बॉक्स, आउट ऑफ बॉक्स, करा कि आउट ऑफ बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है, आउट ऑफ बॉक्स
चिंतन किससे संबंधित करा, अनुकूल चिंतन से, स्मृति आधारित चिंतन से, अपसारी चिंतन से, अभिसारी चिंतन से। आउट ऑफ बॉक्स का मतलब है ओपन, जैसे बॉक्स से बाहर, जो ओपन बॉक्स है मतलब आप कई तरीके से सोच पा रहे हैं। तो अनुकूलित सोच का मतलब है कि अनुकूलन कर रहे हैं तो गलत होगा। स्मृति आधारित एक तरीके से क्या है, रट्टा फिक्सेशन है, तो रट्टा मारना क्या है, अभिसारी सोच है ना कि अपसारी सोच। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, वह होगा अपसारी सोच। अगर आपसे पूछा जाए आउट ऑफ बॉक्स तो इसका मतलब है आपका अपसारी सोच। अगर पूछे इन ऑफ बॉक्स, अगर पूछा जाए इन ऑफ बॉक्स बोला जाए तो आप बोलेंगे दोस्त इन ऑफ बॉक्स बोला जाए, बॉक्स बोला जाए तो आप बोलेंगे वह क्या कहलाता है, वह कहलाता है अभिसारी सोच। क्या अभिसारी सोच, अभिसारी सोच कहलाता है। ध्यान देंगे या पेपर में सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। आपसे पूछा जाए आउट आउट ऑफ बॉक्स बोला जाए तो आप ध्यान देंगे उसे बोला जाता है अपसारी सोच। क्या अपसारी सोच। तो यह सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मैं लिख दे रहा हूँ, आप सभी थोड़ा सा ध्यान देंगे। राइट ऑप्शन होगा हमारा सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे 12 नंबर के लिए दोस्त, बताएंगे क्या करेक्ट ऑप्शन होगा। कह रहा विद्यार्थियों में संप्रत्यय विकास को प्रोत्साहित देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विधि सबसे गलत होगा, मतलब कौन सा ऐसा सेंटेंस है जो गलत होगा। कह रहा यदि करने के लिए कहकर विद्यार्थियों को गलत विचारों को सही विचारों में बदलना, विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना, उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना, जब तक विद्यार्थी में वांछित संप्रत्यय परिवर्तन ना हो जाए तब तक हम दंड का उपयोग करना, या पुराने संप्रत्ययों से विकसित संदर्भ के बिना नए प्रत्ययों को अपने आप समझाना चाहिए। तो बताएंगे इसमें से कौन सा राइट होगा, आप बताएंगे इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। ध्यान देंगे कह रहा कि विद्यार्थियों में जो कोई संप्रत्यात्मक मतलब कॉन्सेप्ट बेस्ड जो डेवलप करना है, बच्चों कॉन्सेप्ट जो डेवलप करना है को प्रोत्साहन देने के निम्नलिखित में से कौन सा विधि सबसे गलत होगा, मतलब ऐसा कोई सेंटेंस होगा जो गलत सेंटेंस होगा। तो ए में क्या करा दोस्त, यदि करने के लिए क्या कर विद्यालय को गलत विचारों को सही विचारों में बदलना, तो मतलब गलत करके सही विचारों में बदलना एक तरीके से क्या है, एक संप्रत्यात्मक विकास है, लेकिन यह मतलब आपसे गलत सेंटेंस नहीं है, जो गलत होगा वही हमारा राइट होगा, जिसका मतलब ये राइट है। बी में कह रहा है विद्यार्थियों को अलग से उदाहरण दे करके और उन्हें तर्क संगत का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करें, मतलब अलग से एग्जाम्पल दें और प्रोत्साहित करें, इसका मतलब क्या है, एक संप्रत्यात्मक सोच को आप आगे बढ़ा रहे हैं, विकास कर रहे हैं, तो यह भी बात तो सही है, लेकिन हमसे निगेटिव ढूंढना है। कह रहा है कि जब तक विद्यार्थियों में वांछित संप्रत्यय परिवर्तन ना हो जाए तब तक हम दंड उपयोग करते रहें, बच्चे को जब तक बच्चे में संप्रत्यात्मक जो विकास है, जो कॉन्सेप्ट बेस्ड जो डेवलप्ड है, कॉन्सेप्ट जो बच्चों को सिखा रहे हैं हम, जब तक उसमें डेवलप ना हो जाए तब तक हम लगे पीटते रहें, इतना मारे इतना पीटे कि बच्चा एकदम क्या बोलते हैं उसे परेशान हो जाए, रोने पीटने लगे, तब तक हम उसको पीटते रहेंगे जब तक कॉन्सेप्ट ना उसके पास याद हो जाए, ऐसा कुछ करेंगे। पीट करके किसी को हम समझा सकते हैं, नहीं कर सकते दोस्त, और यही गलत होगा क्योंकि गलत हमसे पूछ रहा था। राइट ऑप्शन होगा सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे, कह रहा है कि 13 नंबर के लिए बताएंगे क्या विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण, विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण और गैर उदाहरण देने के क्या क्या परिणाम है। कह रहा कि यह अवधारणाओं की समझ में अभाव पैदा करता है, या अवधारणात्मक समझ के बजाय कार्यविधिक क्रियात्मक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करता है, कर अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रभावशाली तरीका है, करा कि यह विद्यार्थियों के दिमाग में भ्रांतियां उत्पन्न करता है। बताएंगे जो गैर और जो उदाहरण स्पष्ट उदाहरण देते हैं और हम सभी जो गैर उदाहरण देते हैं वह किस लिए देते हैं दोस्त, जो बच्चों में हम उदाहरण देते हैं और गैर उदाहरण देते हैं उसके लिए हम क्या करते हैं, क्यों करते हैं ऐसा। देखिए हम जब कोई बच्चों को स्पष्ट उदाहरण दे, देखिए जब हम बात करें हम आपको कोई स्पष्ट उदाहरण दे रहे बता रहे हैं उसी प्रश्न से संबंधित एग्जाम्पल दे रहे हैं तो वह भी आपके लिए हेल्पफुल है। उससे प्रश्न से संबंधित अगर कोई गैर उदाहरण दे रहे हैं तो हम आपको यह बताने का प्रयास कर रहे हैं, देखो बेटा यह ध्यान देना कि यह चीजें नहीं हो सकती, अगर ऐसा आपको लगे कहीं तो इससे आप बचना। तो इसका मतलब है कभी कभी आप ध्यान दें, कभी कभी आपको अच्छी ज्ञान ना दे करके आपको बचने का उपाय बताया जाता है कि आपको बचना कैसे है उसको। तो यही चीज कर रहा है, स्पष्ट जो उदाहरण है वह तो आपको ज्ञान दे रहा है लेकिन जो गैर उदाहरण है वह बचने के लिए आपको बता रहा है। तो कह रहा है यह उदाहरणों की समझ में अभाव पैदा करता, भैया अभाव नहीं पैदा करता, गलत हो जाएगा। करा कि या कर बी ऑप्शन कर या उदाहरण समझ के बजाय करा कार्य विधिक या क्रियात्मक ज्ञान पर ध्यान देता है, गलत हो जाएगा। करक प्रक्रियात्मक ध्यान दे रहा है कि उस करक कार्य विधिक के अलावा करक जो अवधारणात्मक समझ के मतलब कॉन्सेप्ट बेस जो कॉन्सेप्ट है आपका कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग मतलब जो कॉन्सेंचुअल अंडरस्टैंडिंग है उसके बजाय क्या कर रहा है, करक एक प्रक्रियात्मक पर जोर दे रहा है, एक प्रक्रिया पर चल रहा है तो गलत हो जाएगा। कर अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित कर रहा है, अवधारणात्मक परिवर्तन का मतलब है जो कॉन्सेप्ट जो चेंजेबल है,
तो परिवर्तनों को क्या कर रहा है, प्रोत्साहित कर रहा है, आपको मोटिवेट कर रहा है और कह रहा है कि एक प्रभावशाली तरीका है, ये इफेक्टिव जो मेथड है, इसका मतलब राइट ऑप्शन क्या होगा, हमारा सी इज द राइट ऑप्शन होगा। तो इसका आप जानते हैं जो गैर उदाहरण और उदाहरण है वह हमारे लिए क्या करते हैं, प्रोत्साहित भी करता है और उसके साथ साथ हमें इफेक्टिव मेथड भी है। तो राइट ऑप्शन होगा हमारा सी इज द राइट ऑप्शन। और डी में क्या कर रहा है, दिमाग में भ्रांतियां उत्पन्न करती है क्या, गैर उदाहरण नहीं भ्रांतियां उत्पन्न नहीं करते, आपको बताते हैं कि आपको बचना कैसे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ध्यान देंगे 14 नंबर के लिए दोस्त बताएंगे, कृपया विद्यार्थियों में प्रत्यय निर्माण के लिए शिक्षक, विद्यार्थियों में प्रत्यय निर्माण के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए, कि शिक्षण विधि सरल से जटिल की होनी चाहिए, करा क्यों को विद्यार्थी को व्यापक अनुभव का अवसर प्रदान करना चाहिए, करा वे विद्यार्थियों को निर्मित प्रत्ययों के अंतरण का अवसर देना चाहिए, करा को उपयुक्त सभी क्रिया करनी चाहिए, एकदम सभी क्रिया करनी चाहिए। किसी प्रत्यय किसी कॉन्सेप्ट का निर्माण करने के लिए, किसी बच्चे के कॉन्सेप्ट को बढ़ाने के लिए हमें क्या क्या प्रक्रिया करनी चाहिए, तो सभी की सभी करनी चाहिए। कैसे, करा कि शिक्षण विधि सरल जटिल हो, एकदम सही, सरल से जटिल की होनी चाहिए जो शिक्षण विधि हो, पहले बच्चों को हम सरल बताएं, फिर उसके धीरे 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 उससे कठिन की तरफ ले जाएं, थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन करवाने की कोशिश करें, इसका मतलब यह सही है। करा कि व्यापक, जो विद्यार्थियों को व्यापक अनुभव का अवसर प्रदान करें, मतलब अधिक से अधिक वह चीजें एक्सपेरिमेंटल उसके पास नॉलेज रहे, इसके हमें क्या करना चाहिए, अवसर प्रदान करना चाहिए, एकदम यह भी बात सही है। बच्चों को बात करें, करा कि वह विद्यार्थियों को निर्मित प्रत्ययों को अंतरण का अवसर देना चाहिए, जो प्रत्यय है उसका ट्रांसफर जो एक तरीके से उसके लिए भी अवसर प्रदान करनी चाहिए, और इसका मतलब है कि जब तीनों सही हैं तो राइट ऑप्शन क्या होगा, डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे, 15 नंबर के लिए दोस्त बताएंगे, क्वेश्चन ये अच्छा है, क्या विज्ञान के प्रयोगों से समानता लड़के उपकरणों का नियंत्रण अपने हाथों में लेते हैं और लड़कियां लड़कियों से आंकड़ों का रिकॉर्ड करने और बर्तनों को धोने के लिए कहते हैं, या प्रवृत्ति या दर्शाती है। ध्यान देंगे, करा के लड़के जो है विज्ञान को क्या कर लेती हैं, बहुत अच्छे से समझते हैं, लड़कियां उस तरीके से नहीं, रिकॉर्ड सिर्फ तैयार करती हैं और बर्तन वर्तन धुलती हैं, इस तरीके से काम होता है लड़कियों का। तो करा कि इसका मतलब क्या है, करा लड़के उपकरणों को ज्यादा कुशलता से संभाल सकते हैं लेकिन इस प्रकार के कार्यों को करने में प्राकृतिक रूप से सक्षम, यह गलत है, रूढ़िवादी बातें कर रहा है। कल लड़कियां नाजुक होने के कारण ऐसे काम करना पसंद करती हैं जिसमें ऊर्जा की खपत कम होती है। भाई लड़कियां नाजुक होती हैं क्या, नहीं नाजुक नहीं होती हैं, कर ऊर्जा की खपत कम पड़ती है, लड़कियों के पास ऊर्जा नहीं है क्या, ऊर्जा उनके पास भी होता है, तो यह रूढ़िवादी बातें हैं। कर लड़कियां बेहतरीन और अवलोकन करता होती हैं और बिना किसी गलती के आंकड़ों का रिकॉर्ड करती हैं। भैया वह किसी रिकॉर्ड करने के लिए भगवान ने भेज कर रखा दिया है क्या, आप जाओ आप सिर्फ रिकॉर्ड तैयार करने के लिए हो, आपको कॉन्सेप्ट समझना नहीं आता, आप सिर्फ रिकॉर्ड जाकर वहां फिट करना, जो आपके पास रिकॉर्ड होगा वही रिकॉर्ड आपको फिक्स करना है, सेट करना है, लड़कियों के लिए ऐसा कुछ भेजा गया नहीं। डी में क्या कर रहा है, कह रहा कि पुरुष और स्त्री की रूढ़िबद्ध भूमिकाएं विद्यालय में भी होती हैं और इसीलिए दोस्त बात करें डी इज द राइट ऑप्शन होगा, क्या होगा, डी इज द राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि यह भूमिकाएं विद्यालय में भी की जाती हैं। विद्यालय में जब ध्यान देंगे, विद्यालय में जब आप कोई दौड़ भाग के काम होंगी तो लड़कों को बोल दिया जाएगा जाओ आप करो, लड़कियों के लिए कहा जाएगा एक काम करो तुम रिकॉर्ड उकार्ड बनाओ और ऐसे थोड़ा सा जो नाम वाम लिखना है उसको तैयार कर दो, तुमको बहुत भारी काम नहीं देंगे। तो इस तरीके से रूढ़िवादी बातें विद्यालय में भी की जाती हैं और यह चीजें गलत हैं और ऐसा नहीं करना चाहिए, राइट ऑप्शन होगा हमारा डी इज द राइट ऑप्शन। दोस्तों आप सभी के सामने एक इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन भी ध्यान देते चलें, वह इन्फॉर्मेशन है यूपी त्रिवेदी पेट का है, कंप्लीट कोर्स पैकेज आपके सामने होगा, कंप्लीट कोर्स आपको 1299 का मिलेगा, हिंदी इंडिविजुअल बैच की बात 249 का है, डिटेल बुक की बात करें 299 का है, प्रैक्टिस बुक की बात करें 90 रुपये का है, कम्बो बुक की बात करें 350 का है। दो बुकें आप सभी के सामने दिखाई दे रहे हैं, एक संपूर्ण अध्ययन सामग्री है, एक प्रैक्टिस बुक है, और किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए आप सभी के सामने दो नंबर दिए गए हैं, इस पर संपर्क कर सकते हैं, और आधुनिक जो इतिहास की क्लासेस चल रही है सर के द्वारा, इसमें आप सभी बैच में ज्वाइन हो सकते हैं, दो नंबर है, इस पर संपर्क करें जो भी दिक्कतें आपको हो रही हो। चलेंगे दोस्त 16 नंबर के लिए, क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब आपके पेपर के लिहाज से यहां से क्वेश्चन निश्चित है पूछे जाएंगे। अब ध्यान देंगे, संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम क्या है, कर अनुप्रयोग का ज्ञान, अनुप्रयोग, अवबोध, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, कर मूल्यांकन, अनुप्रयोग, विश्लेषण, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, अवबोध, ज्ञान, कर के मूल्यांकन, संश्लेषण, विश्लेषण, अनुप्रयोग, अवबोध, ज्ञान, कर ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। ध्यान देंगे जो संज्ञानात्मक क्षेत्र है, संज्ञानात्मक क्षेत्र की बात करें संज्ञानात्मक पक्ष बात करें तो ब्लूम ने
जो बात किया जाए, ब्लूम ने जो शिक्षण के तीन उद्देश्य बताए, शिक्षण के कितने बताए, तीन उद्देश्य बताए, ध्यान देंगे, शिक्षण के तीन उद्देश्य बताए, ध्यान देंगे, तीन उद्देश्य की बात करें, वह संज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोगत्यात्मक, तीन बताए, संज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोगत्यात्मक। तो आपसे उन्होंने बताया जो संज्ञानात्मक क्षेत्र था, जो संज्ञानात्मक पक्ष में उन्होंने बताया, संज्ञानात्मक पक्ष की बात करें, संज्ञानात्मक पक्ष बताया उनके द्वारा, उसमें उन्होंने छह बिंदु पर चर्चा की है। कितने? छह पॉइंट। सही क्रम आपका जो होता है, सबसे पहले वह होता है दोस्त ज्ञान होता है, फिर अनुप्रयोग होता है, फिर उसका क्या होता है, ज्ञान अनुप्रयोग बोध होता है, ज्ञान बात करें, ज्ञान होता है, अनुप्रयोग होता है, बोध होता है, विश्लेषण संश्लेषण मूल्यांकन होता है। तो मैं लिख देता हूं, सबसे पहले ज्ञान, फिर इसका बात क्या करते हैं, उसका अनुप्रयोग करते हैं, फिर इसका बात करते हैं, अवबोध होता है, ज्ञान अवबोध अनुप्रयोग, ध्यान दें दोस्त, अरे यार, ज्ञान होता है, फिर अवबोध होता है, फिर समझ होता है, ज्ञान अवबोध, फिर इसके बाद क्या होता है, आपका अनुप्रयोग करते हैं, आप अनुप्रयोग करते हैं, फिर इसके बाद बात किया जाए, इसके बाद आप दोस्त क्या करते हैं, विश्लेषण करते हैं, फिर इसके बाद बात करेंगे, संश्लेषण करते हैं, फिर क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। ध्यान देंगे, यह छह कौन बताया है, वह ब्लूम के टेक्सोनॉमी की बात करें तो छह संज्ञानात्मक पक्ष के छह क्रम बताए गए हैं, ध्यान देंगे, छह बताएंगे, यह आपके क्रम को याद होना चाहिए। तो ज्ञान अवबोध अनुप्रयोग विश्लेषण संश्लेषण मूल्यांकन, तो कौन सा मिल रहा है, राइट ऑप्शन हो रहा है हमारा, डी इज द राइट ऑप्शन। और क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, पेपर में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा, या क्रम लगाने के लिए आपके पेपर में पूछा जाता है, या क्रम लगाने के लिए आप सभी से पेपर में पूछा जाता है। अगर आपसे पूछे कि ब्लूम का जो शिक्षण के उद्देश्य था वह कब दिए थे, उद्देश्य जो दिया शिक्षण का वह 1956 ईस्वी में दिया था, किसमें, 1956 ईस्वी में, तीन उद्देश्य दिए थे, मैं लिख देता हूँ, एक संज्ञानात्मक था, एक भावात्मक था, और एक मनोगत्यात्मक, संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक, या आपको याद होना चाहिए मनोगत्यात्मक था, तो यह आपको याद होना चाहिए, तीन थे, और आपसे जो पूछा गया है वह संज्ञानात्मक पूछा गया। दोस्त आप सभी का जो राइट ऑप्शन होगा, डी इज द राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं, इससे आप समझ लेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलेंगे इस कारण की संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर कौन सा है, करा कि जो संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर, ज्ञान है, बोध है, अनुप्रयोग है, विश्लेषण है। ध्यान दें, मैंने आपको बताया सबसे पहले जो संज्ञानात्मक पक्ष की बात करें उसमें छह चरण हैं, कितने हैं, छह चरण हैं। सबसे पहले ज्ञान होता है, दूसरे की बात करें वह क्या होता है, अवबोध होता है, अवबोध का मतलब समझ होता है। तीसरे की बात करें जिसे हम बोलते हैं अनुप्रयोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अनुप्रयोग बोलते हैं। चौथे की बात करें जिसे हम बोलते हैं विश्लेषण बोलते हैं। पांचवें की बात करें जिसे हम बोलते हैं संश्लेषण, मैं याद करा रहा हूँ, लिख रहा हूँ जिससे आपको याद हो जाए। छठवें की बात करें जिसे हम बोलते हैं मूल्यांकन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मूल्यांकन बोलते हैं। तो इसको आपको दिमाग में रखने की जरूरत है। अगर आपसे पूछा जाए दोस्त सबसे न्यूनतम स्तर कौन सा, सबसे न्यूनतम स्तर आपसे पूछा जाए तो आप बता देंगे, न्यूनतम स्तर पूछा जाए तो आप बताएंगे वह है ज्ञान। अगर आपसे पूछे सबसे उच्चतम स्तर कौन सा है, सबसे उच्चतम स्तर उसे बोलेंगे दोस्त, उसे बोल देंगे आप कि मूल्यांकन है। क्या है वह, मूल्यांकन है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हमारा कौन सा राइट होगा, वह राइट होगा ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं 18 नंबर के लिए दोस्त, बताएंगे शिक्षार्थियों से यह अपेक्षा करना कि वे ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्हें यह ग्रहण किया गया है, करा अच्छा है क्योंकि यह शिक्षक के लिए आकलन में सरल है, करा कि दोस्त ध्यान देंगे सरल है, और आपसे दोस्त पूरा है कि आकलन में क्या है, सरल है, और करा यह प्रभावी आकलन उपयुक्ति है, आकलन युक्ति है, का समस्यात्मक है क्योंकि मनुष्य जो व्यक्ति है अनुभव की व्याख्या करते हैं, ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं कर पाते हैं, अच्छा है क्योंकि जो जो भी हमारे मन में है उसे हम रिकॉर्ड करने लगते हैं। ध्यान देंगे दोस्त, अगर आपसे पूछा जाए जितना मैं आपसे बोल रहा हूँ, जितना आपसे कह रहा हूँ, क्या हूबहू आप बता सकते हैं, नहीं बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि जब हम आपको कोई चीज़ बता रहे हैं तो आप अपने ज्ञान में व दिमाग में ले जाकर प्रोसेस कर रहे हैं, एक तरीके से
एक प्रोसेस की एक प्रगति कर एक प्रोसेस कर रहे हैं, एक प्रक्रिया हो रही है आपके माइंड में। और जब प्रक्रिया हो रही है तो आप प्रक्रिया के दौरान आपको कुछ अनुभव प्राप्त होते हैं, अनुभव के हिसाब से आप अपनी बातों को कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए, बोला जाए कि एक काम कीजिए, जब जो मैंने बोला वही आप बोल दीजिए, हूबहू ऐसे बोलना है, तो बोल पाएंगे क्या? नहीं बोल पाएंगे दोस्त। या क्या है, एक समस्या है, क्या है या समस्या है, और मनुष्य अपने अनुभव के हिसाब से बताता है, ना कि ज्यों का त्यों चीजें रिप्रेजेंट कर पाता है। इसलिए दोस्त हमारा जो राइट आंसर होगा वह सी करेक्ट होगा, क्योंकि कह रहा है कि ध्यान देंगे, पुनः प्रस्तुत कर देंगे, इस ग्रुप में ग्रहण कर लिया है, तो ऐसा कुछ जो राइट होगा वह सी इज द राइट ऑप्शन होगा। 19 नंबर के लिए ध्यान दें, कह रहा है दोस्त निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण के संदर्भ में सही नहीं है। शिक्षण एक अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया है, शिक्षण एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, शिक्षण एक प्रभाव निर्देशित प्रक्रिया है, शिक्षण केवल कक्षा कक्ष तक है, मतलब क्लासरूम तक ही सीमित है। मैंने आपको बताया जो शिक्षण है वह एक सामाजिक प्रक्रिया है, ठीक है, वह एक अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया, यह भी सही है, त्रिमुखी प्रक्रिया है, और उसके साथ साथ प्रभाव निर्देशित प्रक्रिया है, लेकिन शिक्षण सिर्फ क्लासरूम तक ही सीमित नहीं होता है। और जो गलत है वही हमारा क्या होगा, राइट होगा, क्योंकि हमसे क्या पूछ रहा है, गलत पूछ रहा है, गलत कौन सा है, वह डी ऑप्शन गलत है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 20 नंबर क्वेश्चन के लिए बताएंगे, 20 नंबर क्वेश्चन, शैक्षिक उद्देश्यों के ब्लूम के वर्गीकरण के भावात्मक पक्ष में कौन सा स्तर संबंधित नहीं है। कर व्यवस्थापन, कर अनुक्रिया, ग्रहण, ज्ञान। ध्यान देंगे दोस्त, आप सभी से जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसे ध्यान देंगे, तो आपसे जो पूछा जा रहा है, सबसे पहला जो प्रक्रिया है, जो सबसे पहले प्रक्रिया होती है वह बोला जाता है अग्रहण। क्या बोला जाता है? अग्रहण बोला जाता है भावात्मक में। दूसरे एक प्रक्रिया की बात करें जिसे हम बोलते हैं प्रक्रिया अनुक्रिया, दूसरा यह हो गया। तीसरे की बात करेंगे दोस्त, जिसे बोलते हैं अवमूल्यन। क्या बोलते हैं? तीसरा आपके सामने होगा अवमूल्यन बोलते हैं, अनुमूल्यन बोलते हैं। चौथे की बात करें जिसे हम बोलते हैं व्यवस्थापन, चौथे को हम क्या बोलते हैं? व्यवस्थापन बोलते हैं। और पांचवे को क्या बोलते हैं? पांचवा आप सभी के से जो पूछा जाता है वह बोला जाता है, क्या बोलता है? स्वभाविकरण कहा जाता है। ध्यान देंगे, स्वभाविकरण कहा जाता है। ध्यान देंगे दोस्त, आपसे अगर पूछे कि भावात्मक जो स्तर है, भावात्मक स्तर में उनके ब्लूम के द्वारा कितने प्रकार से बांटा गया? पांच प्रकार से। और पांच प्रकार से मैंने आपको बताया कि सबसे पहले कौन सा होता है? अग्रहण बोला जाता है। दूसरे प्रकार पूछे तो अंकुरिया बोला जाता है। तीसरा पूछा जाए तो अवमूल्यन बोला जाता है। चौथे क्या बोला जाता है? व्यवस्थापन या संगठन बोला जाता है। इसे आप लिख दें, संगठन भी बोला जाता है, संगठन लिख देंगे। और इसे बोला जाता है पांचवें क्या? स्वभाविकरण बोला जाता है। इसलिए दोस्त हमारा कौन सा नहीं होगा? वज्ञान नहीं होगा। ज्ञान की बात करिए, क्या है? संज्ञानात्मक पक्ष है। क्या है? संज्ञानात्मक पक्ष का सबसे न्यूनतम स्तर है। संज्ञानात्मक पक्ष का सबसे न्यूनतम स्तर है। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं आपको न्यूनतम स्तर है पूछा जा सकता है। तो दोस्त आपका जो राइट आंसर होगा वह डी इज द राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। करा कि ध्यान देंगे, करा निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्रों से संबंधित नहीं है? कौन सा ऐसा है जो संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? करा कि अवमूल्यन, करा कि अनुप्रयोग, बोध, ज्ञान। दोस्त बताएंगे इसमें से कौन सा संबंधित नहीं है। क्वेश्चन आप सभी के सामने 21 नंबर है। अब मैं बताता हूं, ध्यान देंगे। तो मैंने आपको बताया कि संज्ञानात्मक पक्ष पूछ रहा है, तो मैंने आपको यही तो बताया था, छह प्रकार, छह क्रम होते हैं, छह क्रम है उसके, और छह क्रम कौन से हैं? सबसे पहले बात किया जाए, वह सबसे पहले बात करें तो ज्ञान होता है। दूसरे पर क्या होता है? वह अवबोध होता है। तीसरे पर अनुप्रयोग होता है। चौथे की बात करें जिसे हम बोलते हैं चौथे पर विश्लेषण, पांचवे पर संश्लेषण, और छठवें की बात करें जिसे हम मूल्यांकन बोलते हैं। तो छह चरण आपके सामने हुआ, तो इसका मतलब है पहले पर ज्ञान हुआ, दूसरे बोध, तीसरे पर अनुप्रयोग, लेकिन अवमूल्यन क्या है? वह भावात्मक पक्ष है। क्या है? भावात्मक पक्ष है। तो हमसे कौन सा पूछ रहा है कि कौन सा संज्ञानात्मक पक्ष नहीं है? तो राइट आंसर क्या होगा? अवमूल्यन। अवमूल्यन की बात करें या अवमूल्यन भावात्मक पक्ष का तीसरा स्तर है। तो अगले क्वेश्चन पर हम चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। करा की ध्यान दें, 22 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। करा की शिक्षा बच्चों की सहायक होती है,
होती है उन्हें शारीरिक विकास में खरा केवल मानसिक विकास में खरा सर्वांगीण विकास में केवल चारित्रिक विकास में ध्यान दें। बच्चों का जो शिक्षा है जो हमारा एजुकेशन हम लेते हैं और देते हैं किसी को वह बच्चों के या सभी के लिए वह किसके लिए होता है हम सभी के लिए सर्वांगीण विकास का काम करती है। राइट ऑप्शन होगा सी। तो सिर्फ हमें शारीरिक विकास को वह डिपेंड नहीं शारीरिक विकास के साथ मानसिक भी उसके साथ चारित्रिक विकास उसके साथ साथ जितने भी पक्ष हो सकते हैं जो भी है सामाजिक विकास है सारे के सारे पक्ष आपके डेवलप करते हैं हमें शिक्षा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर 23 नंबर के लिए बताएं करें कि आपके अनुसार शिक्षण क्या है करें कि आपके अनुसार शिक्षण क्या है करें एक प्रक्रिया है एक कला है करें एक कौशल है करें ए और बी और सी दोनों है। तो आप जानते हैं शिक्षण क्या है बताएंगे दोस्त इसमें से क्या होगा शिक्षण क्या है शिक्षण एक प्रक्रिया के अलावा करें शिक्षण प्रक्रिया की करें कि एक प्रक्रिया सिर्फ एक प्रक्रिया है क्या तो शिक्षण क्या है एक सामाजिक प्रक्रिया है सिर्फ प्रक्रिया नहीं अगर आपसे पूछे क्या है तो कौन सी प्रक्रिया है सामाजिक प्रक्रिया है शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है या आपके लिए सही है लिख सिर्फ अगर लिखा रहे एक प्रक्रिया है एक सिर्फ प्रोसेस है तो गलत हो जाएगा एक सामाजिक ये सोशल प्रक्रिया है प्रोसेस है तो बात सही होती लेकिन कर एक कला है शिक्षण क्या है एक आर्ट है क्या है एक आर्ट है शिक्षण क्या है एक स्किल है एक क्या है स्किल्स है बात करें तो हमारा बी सही है और सी सही इसका मतलब राइट ऑप्शन होगा डी ऑप्शन करेक्ट होगा डी इज द राइट ऑप्शन बी सी स्किल्स है या भी है दोस्त ध्यान देंगे वह हमारा डी ऑप्शन राइट होगा सिर्फ क्या है एक प्रक्रिया नहीं है अगर उसके साथ साथ सामाजिक प्रक्रिया लिखा होता तो हम मान जाते हैं अगर सोशल प्रोसेस लिखा होता। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर करेक्ट 24 नंबर के लिए दोस्त बताएंगे क्या राइट होगा करा शिक्षा का उद्देश्य क्या है जो हम शिक्षा लेते हैं उसका उद्देश्य क्या होता है दोस्त करा अच्छा नागरिक बनना एक अच्छा जो सिटीजन बनना हमारा एक या भी उद्देश्य है शिक्षा से या आप अगर कितना शिक्षित हैं आप अगर अच्छा नागरिक बन रहे हैं तभी आपको पता तभी चलता है कि आप एक शिक्षित आदमी हैं करें ऐसे व्यक्तियों का निर्माण जो समाज के लिए उपयोगी हैं या भी सही है आप अगर शिक्षा ले रहे हैं तो आप समाज के लिए उपयोगी होना चाहिए आप और बात करें व्यवहारिकता का निर्माण करना एकदम है इसका मतलब राइट ऑप्शन क्या होगा उपयुक्त सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें टाइम नहीं लग रहा होगा अब क्वेश्चन बस करते चलें 25 नंबर के लिए बात करेंगे करें कि कक्षा शिक्षण में अधिगम को किस रूप में पहचाना जाता है क्रम व्यक्तिगत समायोजन के रूप में सामाजिक और राजनीतिक भिन्न विज्ञता के रूप में व्यवहार परिवर्तन के रूप में विशेष क्रम विशेष रोजगार के लिए तैयार करना बताएंगे 25 नंबर के लिए बताएंगे किसके लिए किया जाता है दोस्त बताएंगे इसमें से क्या राइट आंसर होगा आप बताएंगे इसमें से क्या राइट ऑप्शन हो सकता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप कर किसी किसके रूप में पहचाना जाता है क्वेश्चन बताएंगे आप बताइए कि कक्षा शिक्षण में अधिगम को किस रूप में जाना जाता है तो जो शिक्षण अधिगम जो क्लासरूम में शिक्षण अधिगम होता है वह व्यवहार परिवर्तन के रूप में जाना जाता है राइट ऑप्शन होगा हमारा सी इज द राइट ऑप्शन। तो व्यवहार परिवर्तन आपके बिहेव में क्या करे चेंज लाए तो वही क्या है आपका क्या एक अधिगम के रूप में कक्षा शिक्षण में अधिगम को किस रूप में देखा जाता है वह व्यवहार परिवर्तन के रूप में देखा जाता है। चलेंगे 26 नंबर के लिए बताएंगे दोस्त तो कारा कि ब्लूम के वर्गीकरण के आधार पर उद्देश्य आधारित प्रश्नों के निर्माण में कौन सा विकल्प असंगत है क्या वह करा विश्लेषण है या मूल्यांकन है या आत्मानुभूति है अनुप्रयोग है। तो आपसे करा कि जो वर्गीकरण किया था ब्लूम ने जो टेक्सोनॉमी दिया उसमें हमने आपको बताया कि तीन दिया था एक संज्ञानात्मक दिया और एक दिया था भावात्मक ध्यान देते हुए संज्ञानात्मक भावात्मक और क्या दिया मनोगत्यात्मक क्या मनोगत्यात्मक या क्रियात्मक भी इसे लिखा जाता है मनोगत्यात्मक या क्रियात्मक भी बोला जाता है। दोस्त आपसे कह रहा है आपसे दोस्त क्या कह रहा है इसमें ध्यान देंगे इसमें कह रहा कि जो संज्ञानात्मक पक्ष है जो संज्ञानात्मक पक्ष है उसमें से क्रम है तो क्रम में सबसे पहले बार करें 6 चरण होते हैं और 6 में क्या होता है पहले पर क्या होता है आपका ज्ञान होता है दूसरे पर क्या होता है अवबोध होता है या बोध होता है जिसे ऑप्शन में अवबोध भी लिखा होता है और कभी कभी बोध भी लिखा होता है। तीसरे पर दोस्त बात करें वह क्या बोला जाता है अनुप्रयोग बोला जाता है अनुप्रयोग बोला जाता है या ऑप्शन में लिखा होता है प्रयोग भी लिखा होता है। चौथे की बात करें जिसे हम जानते हैं विश्लेषण भी लिखा होता है विश्लेषण होता है मतलब हम टुकड़े टुकड़े में उस ज्ञान को ग्रहण करेंगे फिर क्या लिखा होता है संश्लेषण होता है फिर इसके बाद करता है मूल्यांकन होता है। तो मेरा उद्देश्य है कि आपको याद हो जाए इतनी बार लिख दूँ कि आपको याद हो जाए तो मेरा उद्देश्य यही है दोस्त आपको लग रहा होगा कई बार सर जी लिख रहे हैं लेकिन उद्देश्य को पूरा आपका हो रहा है
दोस्त बात करेंगे तो आपसे कह रहा है कौन सा इसमें से असंगत है, इसका मतलब है कौन सा इसमें से नहीं है, वह आत्मानुभूति नहीं है। राइट ऑप्शन होगा हमारा सी इज द राइट ऑप्शन। तो विश्लेषण आप जानते हैं मूल्यांकन भी अनुप्रयोग भी है, तो हमारा वह आत्मानुभूति नहीं है। 27 नंबर के लिए बताएंगे दोस्त क्रस शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? विद्यार्थियों में व्यवसायिक कौशल का विकास करना, विद्यार्थियों में सामाजिक चेतना का विकास करना, विद्यार्थियों में को परीक्षा के लिए तैयार करना, तब विद्यार्थियों को व्यवहारिक जीवन के लिए तैयार करना। बताएंगे जो शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है, ऐसा आपसे पूछ रहा है शिक्षा का उद्देश्य हमारे लिए क्या होता है। क्या हम शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ व्यवसायिक शिक्षा को प्राप्त करने के लिए सिर्फ हमारा उद्देश्य होता है? नहीं दोस्त। करा सिर्फ सामाजिक चेतना का उद्देश्य होता है विकास करना? करा सिर्फ परीक्षा के लिए? परीक्षा के लिए भी नहीं। हमारा उद्देश्य क्या होता है? वह क्या हो? ज्ञान हमारे शिक्षा कैसी हो? व्यवहारिक जो जीवन के लिए हो, हमारे एक दूसरे के साथ हम अपने आप को एडजस्ट कर पाएँ, उस तरीके की शिक्षा होनी चाहिए। ऐसा नहीं है सिर्फ आप व्यवसायिक शिक्षा पर लगे हैं, व्यवसायिक जो कौशल पर लगे हैं, आपको व्यवसाय करना बस व्यवसाय करना उसके लिए शिक्षा है भाई, उसके लिए किस तो है, लेकिन उसके साथ साथ आप व्यवहारिक जो जीवन के लिए आपको तैयार करना है, आप एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से व्यवहार कर पाएँ, आपका जो बिहेव हो वह आपके दूसरे के लिए हेल्पफुल हो और आपके लिए वह भी हेल्पफुल हो। इसलिए बात करें आपका राइट ऑप्शन होगा डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे 28 नंबर के लिए। क्रस शिक्षा के दो प्रमुख उद्देश्य क्या है? शिक्षा के दो प्रमुख उद्देश्य क्या है? बालकों के विषयों का ज्ञान और उसका मानसिक विकास करना, क्रम विषयों का ज्ञान देना और परीक्षा के लिए तैयार करना, क्रम विषयों का ज्ञान देना और उसका कंठस्थ करना, क्रम विषयों का ज्ञान देना और व्यवसायिक कौशल का विकास करना। बताएंगे आप सभी 28 नंबर के लिए क्या राइट होगा। 28 नंबर के लिए दोस्त बताएंगे क्या राइट होगा। तो आप जानते हैं जो शिक्षा का दो उद्देश्य आपसे पूछ रहा है, शिक्षा का दो उद्देश्य पूछ रहा है, आप ध्यान देंगे जो शिक्षा का दो उद्देश्य है, ध्यान देंगे दोस्त यहाँ पर बात करें तो जो बालकों के विषय का तो ज्ञान कराना हमारा या तो उद्देश्य तो है शिक्षा का, उसके साथ साथ हमें क्या करना है? मानसिक विकास भी करना है। तो इसका मतलब राइट ऑप्शन होगा हमारा ए। करा कि ज्ञान देना तो यहाँ तो सही है, लेकिन करा कि परीक्षा के लिए तैयार करना, तो परीक्षा के लिए ही क्या हो गया? गलत हो गया, परीक्षा की वजह से गलत हो गया ऑप्शन सी में। क्या करा? ज्ञान देना तो सही है लेकिन कंठस्थ लिख दिया, इसकी वजह से गलत हो गया। यहाँ पर विषयों का ज्ञान देना यहाँ तक तो सही है, लेकिन करा व्यवसायिक कौशल के लिए सिर्फ विकास करना, तो व्यवसायिक कौशल तभी विकास हो पाएगा जब मानसिक कौशल विकास होगा, तभी तो होगा। तो राइट ऑप्शन होगा हमारा ए इज द राइट ऑप्शन। 29 नंबर के लिए बताएंगे कौन सा करेक्ट होगा। करा निम्न में से कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है? शिक्षण के बारे में करा शिक्षण में सुधार किया जा सकता है, एकदम किया जा सकता है, शिक्षण औपचारिक अनौपचारिक दोनों है, शिक्षण विज्ञान के साथ साथ कला भी है, शिक्षण एक अन्वेषण है, तो बताएंगे कौन सा कथन इसमें से गलत है। दोस्त आप जानते हैं जो शिक्षण एक है, शिक्षण में सुधार किया जाता है, एकदम सही है। आप दिन प्रतिदिन आप जब सीखते हैं, जब शिक्षण कार्य करते हैं, दिन प्रतिदिन आप में सुधार होता जाता है, यह क्या है? एक सुधार करने वाली प्रक्रिया, एकदम सही। क्रस शिक्षण औपचारिक प्रक्रिया, जैसे औपचारिक की बात करें, जब आप शिक्षण किस प्रक्रिया से लेते हैं, आप शिक्षण किस प्रक्रिया, शिक्षण आप कैसे कैसे हो सकता है, वह आपके घर पर हो सकता है, वह क्या हो सकता है? औपचारिक हो सकता है। औपचारिक में कैसे हो सकता है? औपचारिक जैसे विद्यालय हो सकता है, वह विद्यालय के रूप में हो सकता है। अगर आपसे पूछे वह शिक्षा किस रूप में हो सकता है, वह शिक्षण दोस्त बात करें वह अनौपचारिक भी हो सकता है, शिक्षण अनौपचारिक भी हो सकता है। आप घर पर भी आप शिक्षण कार्य कर सकते हैं, विद्यालय के साथ साथ बात करें घर पर भी वह शिक्षण कार्य हो सकता है। और बात करें इसलिए हमारा क्या है, ए भी सही है बी भी सही है। तो कौन सा कथन गलत है, मतलब सत्य नहीं है, मतलब हमको गलत ढूंढना है। अगर शिक्षण विज्ञान के साथ कला भी है, तो शिक्षण हम जानते हैं साइंस एंड क्या है, साइंस एंड आर्ट है, क्या है जो शिक्षण है, टीचिंग क्या है, टीचिंग की बात करें वह साइंस एंड आर्ट दोनों है, तो टीचिंग यह भी है। तो इसलिए अगर शिक्षण अन्वेषण है, या यही सेंटेंस गलत है, राइट ऑप्शन होगा हमारा डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे 30 नंबर क्वेश्चन। कह रहा कि अधिगम का शिक्षा में योगदान क्या है? अधिगम का शिक्षा में जो लर्निंग है उसका शिक्षा में क्या योगदान है? लर्निंग हमारे लिए शिक्षा में, एजुकेशन में क्या योगदान है, ऐसा आपसे पूछा जा रहा है। क्यों व्यवहार परिवर्तन के लिए है? करा कि
नवीन अनुभव प्राप्त करने में है, समायोजन में है, इनमें से सभी है। तो जो लर्निंग है आपका वह शिक्षा में कैसे कैसे योगदान करती है, आपको हमने बताया कि एडजस्टमेंट करने के लिए, अपने आप को सामंजस्य पैदा करने के लिए, एक आपका अनुकूलन हो, आप अनुकूलित करके अपने आप को जो जिस माहौल में रहें अनुकूलन कर लें अपने आप को, उसके लिए भी है। बात करें समायोजन के लिए, बात करें व्यवहार परिवर्तन, आपके व्यवहार को चेंज करें, आप जैसी जैसा माहौल दिखे उसी हिसाब से ढल जाए, यह भी है। अनुभव, नवीन अनुभव प्राप्त करने की प्रक्रिया भी है, क्या है शिक्षा, और इसलिए अधिगम, और इनमें से दोस्त क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा हमारा, डी इज द राइट ऑप्शन। दोस्त आप सभी ने देखा कि मैं 30 क्वेश्चन कराने का प्रयास किया हूँ, और ऐसे ही आप सभी के पेपर में कहीं ना कहीं आप सभी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्त, और आप सभी ऐसे क्लास को शुरुआत में ही क्लास को शेयर किया करें, क्लास को अच्छे से वॉच किया करें। अगली क्लास में मिलेंगे, और तब तक के लिए दोस्त आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और अपने जीवन में जो भी आप चीज़ें जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं उसमें एकदम मस्त होकर के चीज़ों को पढ़ते रहें, कॉन्सेप्ट को समझे, जितना कॉन्सेप्ट आप सीखेंगे उतना आप आगे बढ़ेंगे, उतना आप सीखते जाएंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे, तो फिर वही आपके लिए हेल्पफुल होगा। आप क्वेश्चन में क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा, लेकिन जब आप कॉन्सेप्ट सीखे रहेंगे तो उसके साथ साथ कई प्रश्नों को आप सीख जाएंगे, कम क्वेश्चन में ज़्यादा आपके पास नॉलेज होगा। तो अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत धन्यवाद, थैंक यू मित्र, नमस्कार।